उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फिर आए हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सवाल ये आता है, खुदाए ताला की कितनी किताबें हैं? जवाब ये आता है, खुदाए ताला की छोटी बड़ी बहुत सी किताबें नाजिल हुई। बड़ी किताब को किताब कहते हैं और छोटी किताब को सहीफा कहते हैं। उनमें चार किताबें बहुत मशहूर हैं। अव्वल तौरात, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। दूसरी जबूर, जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। तीसरी इंजील, जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। चौथा कुरान मजीद, जो हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। सवाल ये आता है कि पूरा कुरान मजीद एक दफा में नाजिल हुआ या थोड़ा थोड़ा? जवाब ये आता है, पूरा कुरान मजीद एक दफा में इकट्ठा नाजिल नहीं हुआ, बल्कि जरूरत के मुताबिक 23 बरस तक थोड़ा थोड़ा नाजिल होता रहा। सवाल ये आता है, क्या कुरान मजीद की हर सूरत पर ईमान लाना जरूरी है? जवाब ये आता है, हाँ, कुरान मजीद की हर सूरत और हर आयत पर ईमान लाना जरूरी है। अगर एक एक आयत का भी इनकार कर दिया या ये कहा कि कुरान मजीद जैसा नाजिल हुआ था अब वैसा नहीं है, बल्कि कुछ घटा बढ़ा दिया है, तो वो काफिर है। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल इस्लामिक नेटवर्क यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए बयान के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।